क्या हो अगर आप ऐसी ट्रेन में फंस जाओ जहाँ से बाहर निकला ही ना जा सके, फिर चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ एक लड़की लिफ्ट लेकर एक आदमी के साथ कार में जा रही थी। तभी उसे अचानक सीट के नीचे किसी लाश का हाथ दिखाई दिया। असल में ये शरीफ सा दिखने वाला आदमी एक सीरियल किलर था। उसने तभी कार रोकी और एक तेज धारदार हथियार से उस लड़की का खून कर दिया। अब कुछ दिन बाद एक बस कुछ लोगों को लेकर उसी रास्ते से जा रही थी कि तभी रेडियो में अनाउंसमेंट हुई कि उस रास्ते पर एक्सीडेंट होने की वजह से वो रास्ता बंद है। फिर ड्राइवर टोनी ने बस को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। अब बस के सामने टनल थी जिससे टोनी कभी भी नहीं गुजरा था। अब आगे बढ़ने लगा कि तभी टनल के अंदर बस के सामने एक आदमी आ गया। इस सुनसान सड़क पर आखिरकार वो आदमी क्या कर रहा था, ये सोचकर ही सब डर गए। लेकिन वो आदमी पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया। ली ने अपने अखबार में देखा कि ये आदमी तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो बिना बात का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो चुप ही रहा। अब बस को चलते चलते 20 मिनट हो गए थे, लेकिन बस अब भी टनल में ही थी। टोनी जानता था कि देश की सबसे बड़ी सुरंग को भी पार करने में सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन ये सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिर में सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में 30 मिनट तक चलने के बाद भी वो शुरुआत तक नहीं पहुंच पाए। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत ही नहीं था। अब सब डर के मारे नीचे उतर गए कि तभी जिंग को अपना फोन जमीन पर पड़ा दिखा, जो उससे गलती से सुरंग की सूरत में ही गिर गया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर उनसे कहा कि हमें चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से वहाँ कोई भी गुम हो सकता था, इसलिए जिंग ने उसे अपना उनका गोला दिया। अब ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और वही दूसरा हिस्सा वोंग नाम के एक पैसेंजर के पास था। तभी सुरंग वाले अनजान आदमी ने कहा कि वो भी ली के साथ चलेगा। असल में उस आदमी का नाम चियान था। अब वो चल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर धुन बढ़ने लगी और बस के लोगों को दूर से दो अनजान आदमी आते दिखाई दिए। अब सब उनका सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि ली और चियान ही थे। दरअसल ये सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे ये लोग घूम के एक ही जगह पर वापस आ गए। अब वो लोग बुरी तरह से फंस चुके थे, इसलिए ली ने सारी खाने पीने की चीजें सभी लोगों में बांट दी। अब चारों आदमी फिर से रास्ता ढूंढने निकले, जबकि औरतें और बच्चे बस में ही रुके। अब थोड़ी देर बाद जिंग ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में ही उनकी बस पर धूल जम चुकी थी। घबराकर उसने सबको उठाया और बस के बाहर ले आई। वहीं दूसरी तरफ चारों आदमी भी एक बार फिर से वहीं पर पहुंच गए। टोनी ने देखा कि उनका खाना भी अब एकदम सड़ चुका था। इसका मतलब ये था कि इस भूलभुलैया में समय भी असली दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से चल रहा था। उन्होंने बस में जब देखा तो उन्हें पूरी सुरंग का एक नक्शा दिखाई दिया जिसे न जाने कौन वहां पर रखकर चला गया था। ली ने नक्शा समझने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई और तब भी ली अचानक से गायब हो गया। वहां पर खून के निशान थे जिसका पीछा करते करते सब एक खोखले दीवार तक पहुंचे। उसे तोड़कर वो एक अजीब से कमरे में पहुंचे जहाँ बहुत से खून हो चुके लोगों की तस्वीरें थी। वहां पर पूरी जगह का इंजीनियरिंग डायग्राम पड़ा था। उसके मुताबिक यहाँ कुल मिलाकर 6 सुरंगें थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। चियान ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें 6 की 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। उसी समय उनको एक अजीब सा कैलेंडर भी मिला जिस पर सिर्फ 15 जुलाई की ही डेट थी। चियान ने उसे फाड़ दिया और उसके पीछे उन्हें खुफिया रास्ता मिला। उनके जाने के बाद कमरे में एक टीवी में एक औरत दिखाई दी जो कि एक छोटी सी गुफा में कैद थी। इसके बाद वो सब दूसरे सुरंग में पहुंचे जहां उन्हें उसी जगह पर अपनी बस मिली, लेकिन बस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो महीनों से वहीं पर खड़ी हो। बस में उन्हें अचानक से नूडल्स मिल गए, लेकिन टोनी ने बंदूक की नोक पर सारा खाना अपने कब्जे में कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए सबको बहुत जल्दी भूख लग गई जिसकी वजह से वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। तभी सारा नाम की एक पैसेंजर जो कि एक मॉडल थी, वो खाने के लिए टोनी के साथ फिजिकल होने के लिए भी तैयार हो गई। तभी वोंग ने चुपके से एक नूडल का पैकेट चुरा लिया, लेकिन टोनी की नज़र उस पर पड़ गई और उसने उस पर हमला कर दिया। अब अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने पीछे से टोनी का खून कर दिया और बाकी के सभी देखते ही रह गए। वोंग की नज़र बस के नीचे गटर के ढक्कन पर पड़ी। उसके अंदर जाने पर वो सभी एक और अजीबोगरीब कमरे में पहुंच गए। इस बार टीवी में वो लड़की धीरे धीरे गुफा में डूब रही थी। अब सबको फिर से वही कैलेंडर दिखा जिसके पीछे एक और खुफिया रास्ता था जिसे पार करके वो लोग तीसरे सुरंग तक पहुंच गए। ये सुरंग पहले से बहुत अंधेरी और सुनसान थी। यहाँ पर भी बस मौजूद थी, लेकिन इस बार बस में सांप भर चुके थे जैसे मानो वो बस वहां पर सालों से खड़ी हो। अब वो उन्हें बंदूक निकाल ली और कहने लगा कि जब जब कोई मरा है तब तब उन्हें खुफिया रास्ता मिला है, इसलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे सबकी जान भी लेनी पड़े तो वो ले लेगा। उसने जिंग के हाथ से चियान के कंधों पर गोली चलवा दी और उसने उसके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और फेंग को गोलियों से भून दिया। उसने सारा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले किसी ने पीछे से आकर उसका काम तमाम कर दिया। उसकी मौत के बाद अब उन लोगों को फिर से खुफिया रास्ता मिला जो कि चौथे सुरंग में खुलता था। तभी जिंग नाम की वो औरत जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी का समय आ गया जिस वजह से सारा और चियान मिलकर बस की तलाशी लेने लगे। ये सुरंग लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, इसलिए सारा को अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे। डरकर वो बस से बाहर भागी, लेकिन उसके चारों ओर लाशें थी। वह उसे एक शीशा दिखा और उसमें देखते ही किसी ने उसे पीछे से मार डाला।
चियान जिंग और पार्क आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में जिंग का बेटा मर गया। अचानक जिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक चाकू लेकर चियान को भी मार डाला। चियान की आँख खोली तो एक सीक्रेट हॉस्पिटल में था। असली कहानी एक आर्मी ऑफिसर ने समझाई। असल में कहानी की शुरुआत में जेम्स नाम का जो सीरियल किलर हमने देखा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में था। जेम्स ने कई औरतों को किडनैप करके मार डाला था, लेकिन सायरा नाम की एक लड़की अभी भी जिंदा थी। लेकिन जेम्स के अलावा और कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। उसके कोमा में होने की वजह से उन्होंने एक साइकोथेरेपिस्ट को जेम्स के दिमाग में भेजकर लड़की का पता लगाने का फैसला किया। ये साइकोथेरेपिस्ट और कोई नहीं बल्कि चियान ही था, और असल में वो लड़की सायरा चियान की पत्नी है। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जेम्स के दिमाग में चल रहा था, जो हमने चियान की नजरों से देखा। उसे अब तक सिर्फ यही पता चल पाया था कि उसकी पत्नी किसी नदी के आसपास कैद है, लेकिन तेज बारिश की वजह से अगले 36 घंटों में नदी के आसपास की सारी गुफाएं पूरी पानी से भर जाएगी। चियान ने आर्मी ऑफिसर को उस बार बार दिखने वाली तारीख 15 जुलाई के बारे में बताया। ऑफिसर ने कहा कि इसी दिन जेम्स के माँ बाप की मौत हो गई थी और उसकी माँ का चक्कर एक ड्राइवर के साथ चल रहा था, जिसका पता उसके बाप को चल गया था, जिस वजह से उसकी माँ ने अपने पति को मारकर अपनी जान दे दी थी। असल में जेम्स खुद एक टनल इंजीनियर है, इसलिए जब वो कोमे में गया तो उसने अपने दिमाग में खतरनाक सुरंग बनानी शुरू कर दी, जो कि उसके दिमाग की तरह एक भूलभुलैया थी। चियान का मकसद था सुरंग में जाकर जेम्स को बाहर निकालना, ताकि वो कोमा से बाहर आ जाए, लेकिन उस हथियारे का दिमाग इतना ज्यादा पेचीदा होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसके दिमाग में मौजूद बस में बैठे सभी पैसेंजर दरअसल उसकी जिंदगी के अलग अलग पहलू थे। सबसे अच्छा था ली, जो उसके अंदर मौजूद अच्छाई की एक झलक था। दूसरा टोनी था, जो जेम्स के गुस्से को दिखाता था। वहीं वोंग जेम्स के दिमाग में उसके पिता की पर्सनैलिटी थी, क्योंकि जिस तरह वो बाकी सबको मार रहा था ठीक उसी तरह असल जिंदगी में भी वो उसकी माँ को मारा करता था। और सारा एकदम उसकी माँ के जैसी थी, उसकी माँ भी एक मॉडल थी। और असल जिंदगी की तरह उसके दिमाग में भी उसका एक ड्राइवर के साथ चक्कर शुरू हो गया था, और वो प्रेग्नेंट औरत जो कि उसके किसी सपने की तरह थी, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसकी माँ भी बिल्कुल वैसी हो, लेकिन वो भी उसके दिमाग में जेम्स की बुराई बदल नहीं पाई और मारी गई। आखिर में वो जुड़वा बच्चे जो कि जेम्स के बचपन को दर्शाते थे, लेकिन वहाँ और कोई भी मौजूद था जो बस में नहीं था, वो जिसने छुपकर ली टोनी और वोंग का खून किया। अगले दिन चियान एक बार फिर से जेम्स के दिमाग में दाखिल हुआ। इस बार उसने सीधा जेम्स से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन वो इतनी आसानी से कहां बताने वाला था। वो कहने लगा कि उसे अपनी माँ से नफरत है, क्योंकि उसने उसके बाप को मार डाला था, इसलिए वो औरतों को किडनैप करके मार डालता था क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो चियान को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ले गया, जहाँ उसकी जिंदगी के कई किस्से चल रहे थे। चियान ने जेम्स के नादान बचपन से भरे ऐसे पार्क से बात करनी चाही, लेकिन उसकी बहन फेंक ने उसे सायरा का पता बताने से रोक दिया। इसके बाद चियान एक सिनेमा हॉल में पहुंचा, जहां आखिरकार उसे सुरों में खून करने वाला आदमी मिला। ये कोई और नहीं बल्कि चियान ही था। इसका मतलब ये था कि जेम्स का दिमाग इतना बुरा था कि जो भी उसमें जागता वो खुद भी एक कातिल की तरह सोचने लगता। बुरे चियान ने बताया कि वो सायरा को बचाना नहीं चाहता, इसलिए उसने एक एक करके सुरों में सबको मार दिया और नए जन्मे बच्चे को भी उसने नहीं छोड़ा। इसके बाद वो असली चियान को एक अंधेरी जगह पर ले गया, जहां उसका आखिरी मुकाबला होने वाला था। जल्दी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जैसे असली चियान जीतने वाला था कि तभी एक और बुरा चियान वहां पर आ गया, जिसका सीधा मतलब यह था कि बुरा चियान कभी भी नहीं मर सकता। उधर बारिश काफी तेज हो रही थी और पानी अब सायरा की गर्दन तक पहुंच चुका था। तभी असली चियान के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो अपनी जान दे दे तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी खत्म हो जाएगी। उसका प्लान काम कर गया और जेम्स के दिमाग से बुरे का नामो निशान मिट गया। इसके साथ ही हॉस्पिटल में जेम्स कोमा से बाहर आ गया और उसने तुरंत पुलिस को सायरा का पता बता दिया। आखिरकार सायरा को भी इन मौके पर बचा लिया गया, लेकिन चियान कभी भी नहीं उठा। वो अब भी उस सुरंग में था और हमेशा के लिए वहाँ कैद हो चुका था। दोस्तों ये कहानी थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।